उदयपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम ने एक बार फिर से कार्यालय में आने जाने वाले आमजन पर सख्ती बरती है। नगर निगम ने अब आमजन के प्रवेश को विशेष कार्य होने पर ही प्रवेश देने की बात कही है, यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को बेवजह नगर निगम कार्यालय में जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी उनकी समस्या है मुख्य गेट पर भी दर्ज कर ली जाएगी। शहर के लोगों को अब अपनी किसी भी समस्या और किसी शिकायत को लेकर नगर निगम में आने पर प्रार्थना पत्र मुख्य गेट पर ही आवक जावक में देना होगा। कोरोना संक्रमण बढ़ते देख निगम ने ये व्यवस्था की है। निगम के तमाम कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर रोका गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, साथ ही कामकाज प्रभावित नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के आने से संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है और इससे अगर कोई भी कार्मिक अधिकारी संक्रमित होता है तो नगर निगम का कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने एक बार फिर आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले नगर निगम में कोरोना की वजह से कई कार्मिक चपेट में आ गए थे, उसकी वजह से कई दिनों तक कार्यालय बंद रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे कामों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में आमजन को रोका गया है, बेहद आवश्यक होने पर लोगों को एंट्री मिलेगी।